हेलो भाई हो, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया यार। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। चलो भाई, हमेशा की तरह देख सकते हो आप, वही रास्ता सेम। स्कूल जा रहा हूँ मैं भी। आज मौसम अच्छा हो रखा है, धूप निकल रखी है बट ठंड है। एक तो है ये दाढ़ी नहीं काटी, शाम को जॉब है और भाई दाढ़ी काटनी पड़ेगी वैसे चले गए तो। वही बात है, पेंचो टोकेगा, इससे अच्छा टोकने से बढ़िया भाई शाम को जाने से पहले काटनी पड़ेगी। चलो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहता हूँ जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हो, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी फीस होती है और कैसे आपको बात करनी है, क्या करना है, मतलब आज सारी चीज़ें वो बताऊंगा। और कौन कौन से टर्म होते हैं, उनके कौन कौन से महीने होते हैं जब आप अप्लाई कर सकते हो। भाई कई स्कूलों में होते हैं 3 बार अप्लाई, 4 बार अप्लाई। मेरे स्कूल में होते हैं जनवरी में, अप्रैल में और जुलाई में, अगस्त में, अगस्त अक्टूबर में, हाँ सॉरी भाई अगस्त में 4 बार होते हैं। हाँ जनवरी, हाँ 1, 2, 3, 4, हाँ 4 बार अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो स्कूल है कईयों में तीन में होते हैं, जनवरी में किसी किसी में होता है लगभग, अदरवाइज औरों में सेम होते हैं। तो 4 बार अप्लाई कर सकते हो। इधर कोई लेवल का हिसाब नहीं होता, जैसे कई बार मेरे पास मैसेज करके पूछते हैं कि कौन सी लेवल से वो स्टार्ट करें या कौन ये लेवल वाली पढ़नी है, तो लेवल के हिसाब से नहीं होता, कोर्स होता है 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। जैसे जो जनवरी जो अप्रैल से होता है मेन, तो अप्रैल में आओगे ना तो पूरे 1 साल का और 2 साल का। वैसे तो आपकी ग्रेजुएशन 2 साल की लिखी जाएगी अप्रैल वालों के लिए, क्योंकि वो 2 साल का होता है कोर्स, बट 1 साल में छोड़ सकते हो आप लोग। फिर आता है दूसरा कि जुलाई में आओगे तो भाई 1 साल 9 महीना, अक्टूबर में आओगे 1 साल 6 महीना और जनवरी में आओगे तो 1 साल 3 महीने का कोर्स होता है और उनकी फीस सेम ही होती है। मतलब 1 साल की जो फीस होती है फिर उसकी आधी 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 करते रहते हैं लोग। तो मेरे स्कूल की कितनी फीस है, मेरे भाई अलग अलग है, तो क्योंकि थोड़ी सी महंगी है, क्योंटो वाले स्कूल की जो ब्रांच है वो सस्ती है और नागानो की उससे भी ज़्यादा सस्ती है, वो डिपेंड करता है जगह पर। बट मिनिमम मेरे स्कूल की कितनी है, क्योटो वाले की 827 28 थी, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जो अभी है टोक्यो वाला उसकी ज़्यादा है, उसकी 920 कुछ है, 920 9,20,000 येन, 827 बताया वो भी 8,27,000 कुछ ऐसी है। बट फर्स्ट ईयर की इतनी होती है, सेकंड ईयर में जब आप आते हो 1 साल का कोर्स या 6 महीने की जितनी भी बचाती है उसमें 50,000 येन कम हो जाते हैं। तो ये नहीं कि 927 है तो 827 मान लो, 827 है तो अगले साल भी 827 ही होगा, नहीं उसके 50,000 कम मान लो, कम कर देते हैं। चलो भाई स्टेशन ही आ गया, और बातें स्कूल के बाद बताऊंगा। चलो भाई स्कूल हो गया ख़त्म और अब मैं आया हूँ इधर मेरे स्कूल के पास में एक पार्क है हाराजुकू के पास में, तो उसमें आया हूँ। तो ये देखते हैं, अब मुझे तो इसका नाम नहीं देखा, अब इसका क्या नाम है यार, ये तो हाराजुकू दुआ गेट का नाम लिख हाराजुकू दुआ लिखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं इस पार्क का क्या नाम है, देखता हूँ कहीं लिखा हुआ मिल गया तो बताता हूँ। हाँ मैं बता रहा था स्कूल के बारे में, देखो भाई पिछले में मैं क्या अभी बता रहा था वीडियो में अपनी स्कूल की फ़ीस, मेरा स्कूल छोड़ो, सबसे पहले बात आती है कि कहता हूँ अगर जापानी स्कूल में जाना है तो कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो वो बताता हूँ सबसे पहले कि आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो और फिर फीस तो आगे की बात है, पहले तो कॉन्टैक्ट का होता है कि कॉन्टैक्ट कैसे करें तो वो बताते हैं। चलो आप लोगों को बताता हूँ कैसे कॉन्टैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले भाई क्या होता है, जहाँ पर भी जाना है, जिस सिटी में भी जाना है आपको, टोक्यो जाना है, नागानो जाना है, नागोया जाना है, बल्कि जापान में कहीं भी जाना है, सेंदाई, फुकुओका, कुछ ले लो, क्योटो, ओसाका, मतलब कहीं भी आपको जाना है ना, तो सबसे पहले उस सिटी चूज़ कर लिया आप लोगों ने, फिर उधर वहाँ लैंग्वेज स्कूल का देखो, आप नेट पर लिखो लैंग्वेज स्कूल तो बहुत सारे आ जाएंगे, इधर गली गली में लैंग्वेज स्कूल खुले हैं, फिर उनके रिव्यू पढ़ो,
रिव्यू बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी साइट देखो कैसी बनी हुई है, फिर यूट्यूब पे देखो वीडियो डाल रखी है नहीं डाल रखी है, जब लगे सही हाँ फिर कॉन्टैक्ट करो स्कूल पर। और ऐसे नहीं करना मज़े में उठा के कॉन्टैक्ट कर दिया और बाद में नहीं, अगर सच में सीरियस हो ना कि हाँ मुझे जाना है स्कूल में, जब भी कॉन्टैक्ट करो उनके पास। एक बार कॉन्टैक्ट कर दिया, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वो दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे आपसे, तो उनको कॉन्टैक्ट करो उनकी साइट पे या उनकी गूगल पे जो भी आ रहा है मेल, लगभग मेल डाली होती है उन्होंने। फ़ोन भी कर सकते हो अगर आपकी जपनीज अच्छी है तो, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मेल कर दो उनके पास कि मुझे आपके स्कूल में आना है, क्या प्रोसीजर है तो वो बता दीजिए। वैसे तो उनकी साइट पर भी लिखा होता है सारा प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर होता है, बट फिर भी पूछ लो तो वो आपसे एक दिन में कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जैसे आपने आज करा, वैसे तो इधर आता हूँ 3:30 बजे के बाद या 4 बजे बाद कॉन्टैक्ट करते नहीं है, अपने इंडिया के हिसाब से 12 बजे, तो मनमाने एक दिन में आपका रिप्लाई भी ना आ पाए कि आपने करा 1:30 बजे, तो इतने तो इधर स्कूल ही बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो उठने से पहले ही आया हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कितने बजे 8 बजे स्कूल खुल जाते हैं, तो इंडिया में तो 7, 6, 5, 5:30 मतलब 6-7 बजे तक आपका आ जाएगा। आपका जब उठोगे तो रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा 100%, तो वो आपका नाम नूम पूछेंगे, कहाँ से हो क्या हो, 3-4 क्वेश्चन होंगे उनका, फिर आप रिप्लाई कर दो तो वो सारा प्रोसीजर बता देते हैं कैसे क्या है कितनी, फिर वो आपकी वो मांगेंगे क्या आपने बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने क्या पढ़ाई करके क्या नहीं, फिर ये पूछेंगे आपका स्पॉन्सर कौन बनेगा, तो ये सब चीज़ें देखो भाई अच्छी चीज़ है। ये देखो वाटर पानी का ये क्या है निकल रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, ये रहा बढ़िया लग रहा है, जो भी पानी तो नहीं निकल रहा है, ऐसे है पूरा बड़ा ही पार्क है, आदमी इधर घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अपने डॉगियों को घुमा रहे हैं भाई। ये देखो ये इस पार्क का मैप है, ये रहा मिल गया नाम, योगी पार्क ऊपर लिखा हुआ है, अब पता चला भाई इस पार्क का क्या नाम है, ना कहीं लिख ही नहीं रखा था, देख सकते आप लोग ये रहा। हाँ भाई स्कूल वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखो इन पार्कों में ऐसे ही है, बाथरूम होते हैं भाई, इस साइड आदमियों का, उस साइड लेडीज़ का है, बीच में भाई जिनका चल नहीं सकते और बच्चों का है बीच में, ये रहा ऐसे पार्क में ये बने रहते हैं। तो हाँ मैं बताया था कि स्कूल वाले कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे अच्छे से, वो सारी चीज़ें पूछेंगे आप बता दोगे, फिर वो कहेंगे किसी दिन भी एक दिन वो इंटरव्यू के लिए रखेंगे कि हाँ इस दिन हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हल्का छोटा सा होता है, कुछ नॉर्मली होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो फिर आप टाइम बता सकते हो किस दिन मैं फ्री हूँ, कितने बजे फ्री हूँ, वो आपके हिसाब से लेंगे कि वो आपसे पूछेंगे डेट दे दो और टाइम दे दो, तो आप दे दो, फिर उस दिन इंटरव्यू होता है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं नॉर्मल पूछते हैं आपका नाम नूम, कि उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं वो, तो डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे और जो बताए थे ना, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में पूछेंगे कि जो आपने भेजे ना, ये जपनीज़ों का होता है कि जो चीज़ भेजोगे ना उन्हीं में से पूछेंगे कि जो चीज़ भेजी है कुछ अलग तो नहीं बता रहे, और वो अलग नहीं बतानी होती, या कहोगे मेरे घर में कितने आदमी है वो ये पूछेंगे, आपका नाम, आपके घर वालों का, पापा मम्मी का, ये सब नॉर्मल चीज़ें, क्या करते हो, क्या करा आपने, और आपके फादर क्या करते हैं, ये सब नॉर्मल फिर कर देंगे, ठीक है हो गया, फिर आगे की वो कुछ प्रोसीजर करेंगे, डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, फिर आप भेजोगे तो उसमें 4-5 महीने लग जाते हैं, 4-5 महीने हाँ आराम से लग जाते हैं, क्योंकि CO आती है, फिर आपकी 3 महीने बाद CO आती है, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो जापान एम्बेसी में दिल्ली में, या दिल्ली के साइड वाइड में रहते दिल्ली में, वरना मुंबई तो भाई मुंबई के अलग एम्बेसी जापान की होगी, मुझे पता नहीं दिल्ली का ही पता है, तो ये सिस्टम होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है सिंपल ही है। वैसे तो क्या होता है इंडिया में लगभग कहता हूँ बीच के उनके पास जाते हैं एजेंसियों के पास, वैसे तो खुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंसी जाने के पास ज़रूरत नहीं होती है अगर, क्योंकि आप सब कुछ खुद कर सकते हो। हाँ कहते हैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, वो करवाने में हाँ, जब अगर आपकी जपनीज खुद की अच्छी है तो खुद कर सकते हो ट्रांसलेट, अगर नहीं आती तो भाई बहुत सारे आदमी हैं जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करते हैं, तो अपने क्योंकि वो बता देते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो खुद ही बता देंगे हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, तो खुद बनवा लो, और उनको कि इंग्लिश में तो वो बनता ही अपने, फिर एक भेजना भी होता है तो वो जपनीज में होता है ट्रांसलेट करके, तो किसी को पकड़ लो रुपये दे दो थोड़े बहुत, वो अपने आप ट्रांसलेट करके दे देगा, और खुद की जपनीज बढ़िया तो खुद ही कर लो वो, फिर भेज दो, तो किसी एजेंसी के पास जाने की जरूरत होती नहीं है।
हाँ वैसे किसी को जाना है कि हाँ भाई इजी हो जाएगा, खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जो जाना चाहता है भाई जा सकता है, क्योंकि उसमें वो लोग रुपये उनकी फ़ीस होती है, उनकी फ़ीस दे दो वो हो जाएगा, अदरवाइज़ खुद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंसी के पास जाओ ही जाओ, किसी भी एजेंसी के पास भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी एजेंसी को। अगर आप खुद कर सकते तो खुद डॉक्यूमेंट्स भेजते हो ना, उसमें भाई गलती नहीं होनी चाहिए एक भी, अगर गलती होती तो वो बता देते हैं कि आपकी ये गलती है, बट कई बार वो भी नहीं देख पाते ना, तो कोई भी चीज़ अलग अलग मत करना कि ये तो डॉक्यूमेंट है उसमें ये कर दी जपनीज की ट्रांसलेट में और उसमें ये, और यहाँ तक कि ये तो स्पेलिंग की मिस्टेक भी देखते रहते हैं वो लोग भाई। मेरे स्कूल वाले जो थी इंचार्ज, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया यार नाम, आया ना भाई छोड़ो, मैं उसका नाम ही भूल गया क्या नाम था, उसने तो मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट एक बार कई बार बनवाए, क्योंकि स्पेलिंग तक की भी गलती हो जाती ना, ये आगे या पीछे आनी थी वो भी गलती हो जाती, तो कहती नहीं ये नहीं चलेगा दोबारा बनवाओ, बड़ा तंग करता। मतलब कि ये लोग एक एक चीज़ें देखते हैं, तो डॉक्यूमेंट में गलती ना ही करो तो अच्छा है, और कोई दिक्कत नहीं है, और तो सारी चीज़ें सिंपल ही हो जाती है। हाँ भाई एक चीज़ और बतानी थी, जैसे होता हूँ एक स्कूल की कई ब्रांच होती है, जैसे मेरे दोस्त हैं उनके स्कूल की भी होता हूँ कई ब्रांच है, तो वो लोग अभी रह रहे हैं गिफू में, तो वो चेंज करवाना चाहते हैं टोक्यो में, उनकी टोक्यो में भी है उनकी स्कूल की ब्रांच, तो कर नहीं रहे हैं। तो कई स्कूल होते हैं जो होता हूँ चेंज करते नहीं हैं, वैसे वो कर सकते हैं बट उनको होता हूँ झूठ बोल रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और खाई है और वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि नहीं करते हैं। अदरवाइज मैं अपने स्कूल की तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे स्कूल वालों ने जब भी कर दिया एक रीज़न देना होता है वैलिड, और वो भी होता हूँ स्कूल वालों को इतना ज़रूरी नहीं होता वो रीज़न जानने की, ज़्यादा होता है कि उनको होता हूँ वो रीज़न होता हूँ इमिग्रेशन में देना होता है। जैसे आप ओसाका रह रहे हो, क्यों तो रह रहे हो, जैसे मैं क्यों तो मैं रहता था, तो मैं इधर आया तो मुझे एक रीज़न देना पड़ा कि मैं टोक्यो क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि वो ओसाका के इमिग्रेशन में देना होता है कि ये बच्चा अब टोक्यो जा रहा है क्योंकि मेरा इमिग्रेशन चेंज हो जाएगा। अब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओसाका इमिग्रेशन में थे वो सारे टोक्यो इमिग्रेशन में आ गए हैं, तो उनको एक रीज़न बताना होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो मैंने स्कूल वाले पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आगे बताना है, इसलिए आप रीज़न बताओ। मेरे स्कूल वाले अच्छे थे, मेरा जो तानिन टीचर था, तानिन सेंसे, मतलब कि क्लास टीचर कहते हैं तानिन सेंसे को, क्लास टीचर ने मेरी बड़ी हेल्प करी, उसने बताया कि क्या, क्योंकि एक दो बार तो मैंने रीज़न ऐसे नकली से बता दिए, तो वो उसने कहा ये नहीं, ये अच्छा रीज़न नहीं है, इससे और अच्छा रीज़न ये हो सकता है, तो वो पूरा बताया गया। तो क्या होता है कई स्कूल करते नहीं है एक्सचेंज, क्योंकि उन्हीं का ही सेम स्कूल होती है, ब्रांचेज होती है, बट वो करते नहीं है। मेरे वाले ने कर दी थी, तो क्या होता है कि आप टोक्यो डायरेक्ट आना आता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन थोड़ा सा आता हूँ स्ट्रिक्ट होता है टोक्यो के ऊपर, कि आप डायरेक्ट इंडिया से इधर आ रहे हो टोक्यो, तो स्ट्रिक्ट हो जाता है कहते हैं, क्योंकि सब टोक्यो में आना चाहते हैं रहना चाहते हैं, तो इतनी जगह है नहीं टोक्यो में, और महंगा तो वो होता हूँ फॉरनरों को तो दे देते हैं, यूरोप के हुए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके लिए बड़ा आसान है टोक्यो आना, बट अपने एशिया, इंडिया हुआ या एशिया में और जितनी कंट्री, उनके लिए थोड़ा सा आता हूँ स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन। तो मेरा मानना तो यही है, डायरेक्ट आ सकते हो तो कर लो ट्राई, अदरवाइज किसी भी अनदर दूसरी सिटी में आ जाओ, उसके बाद 4-5 महीने बाद आप चेंज कर सकते हो, तो उसके बाद अपने स्कूल चेंज कर लो सेम ब्रांच में, अलग स्कूल में नहीं जा सकते हो, अलग स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आएगी, उसी स्कूल की ये देख लो टोक्यो में ब्रांच है तो फिर चेंज कर सकते हो, अलग स्कूल में चले गए और चेंज, स्कूल चेंज करना बहुत मुश्किल है, अगर सेम ब्रांच है तो हो जाता है आराम से, क्योंकि मैंने करा है, मुझे एक डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं, सब कुछ स्कूल वालों ने करा, एक दो जगह उन्होंने साइन करवाए बस, और वो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए थे, मैंने बस साइन करे और कुछ नहीं करा, और सारा कुछ स्कूल वालों ने करा, बड़े आराम से आ गया, दो डॉक्यूमेंट में साइन करवा के बोले हो गया आपका, अब जाइए आप टोक्यो मौज करो अब, बस भाई ये है चक्कर है। चलो अब लग रही है भूख यार, अब मैं जाता हूँ घासुतो, इधर एक घासुतो है रेस्टोरेंट टाइप का है, कैफ़े ये कह लो है, रेस्टोरेंट ही कुछ ऐसा है, उधर जाता हूँ, बड़े सस्ती चीज़ें मिलती है खाने की, जैसे मुझे जाता हूँ पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो वो भी कोन वाला, वैसे तो इधर डोमिनोज है पिज़्ज़ा की, और भी बहुत सारी शॉप है रेस्टोरेंट है, बट वो बड़े महंगे हैं भाई, दो ढाई हज़ार, तीन चार हज़ार ऐसे है, बट घासुतो में जाता हूँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं, मेरे जपनीज फ्रेंड ने रिकमेंडेड किया था मुझे, उसके बाद मैं वहीं से जाता हूँ, 600-700 में पिज़्ज़ा आ जाता है, और 230 रुपये दोगे ना तो नौमी होदाई होती है, नौमी होदाई मतलब होता है कितनी भी ड्रिंक पियो, उसमें आता हूँ क्या होता है
जैसे फ्रूट हो, फ्रूट के जूस होंगे, गाजर गुजर अलग अलग मिक्स जूस होगा, कोका कोला होगी, टी होगी, सूप होगा, वो 230 रुपये दो और कितना भी पियो, कितने घंटे तक बैठे रहो वहाँ, पीते रहो 230 रुपये देने होते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलो चलते हैं, भूख लग रही है। ये देखो भाई, फुआरा सा टाइप का हो रहा है और आगे वो साकुरा खुला हुआ है, वो और दिखाता हूँ, साकुरा दिखाकर फिर चलते हैं अपने गासुतों में, खाते पीते हैं उसके बाद घर की तरफ हो लेते हैं। और भाई देख लो, ये होते हैं साकुरा, इनको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ये देखो 6-7 पेड़ है, यही दुनिया लगी हुई है अपनी फोटो खिंचवाने में। देखो ये भाई बढ़िया लग रहा है, अच्छा लगता है, पिंक पिंक होते हैं फूल, अच्छे हैं। तो भाई अब हम चलते हैं अपने, खाने पीने हो गया, जो वीडियो फोटोशूट करना था साकुरा के साथ कर लिया है। ये अभी 4-5 ही पेड़ है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक ये क्या है इस साकुरा वाले की, ये सीजन आने से पहले उनके जल्दी आ गए, इस बार कह सकते हैं जल्दी वाला साकुरा है ये। वैसे तो इसी महीने आते हैं मार्च में, बट अभी 16-17 के आसपास आते हैं, बट ये आ गए जल्दी, ये आ गए फरवरी की लास्ट में ही। तो ये इसको कहते हैं है साकुरा, ये जल्दी आ गए इसलिए 6-7 ही है, उसी पर पूरी दुनिया लगी पड़ी है भाई फ़ोटो खिंचाने। चलो अब हम चलते हैं खाने पीने, वो दिखाता हूँ। मुझे ये पता भाई आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो वो आंटी, बूढ़ी आंटी, ओ भाई साहब कुत्ते को बैग में पैक करके लेके जा रही है। जो बैग ये मैंने टांगा हुआ है, इस टाइप का बैग है, छोटा सा कुत्ता है भाई वो, और उसको वो बैठी हुई और उसको उसमें पैक करके और उसकी मुंडी बाहर निकाल दी बस, और चैन बंद कर दी कि उसकी गर्दन है, मुंडी का ना गर्दन है, वो बाहर निकली है और वो सारा अंदर बैग के अंदर पैक है। चीज़ें देखने को बहुत मिलेगी जापान में, ये कुत्ते की कमी है, कितने कुत्ते लेकर है, कितने कुत्ते लेकर संभाल ये तो। इधर भाई साहब ये कुत्ता नहीं पाला जाता यार, इंसान खुद ही, हम जैसे तो हम खुद ही अपना खर्चा चला ले, वही बहुत है। एक चलो कुछ बनने के बाद एक ही ले लो, इतने सारे लेकर बैठा था, मुझे तो गिने भी नहीं कि कितने थे, उस वीडियो में दिखा दिया इतने सारे कुत्तों को पाल रहा। सही है भाई, चलो वही चलते हैं यार, पर नहीं कैसी कैसी चीज़ें दिखाई दे रही है आज तो। देखो भाई इस टाइप का होता है, वो कीड़े थोड़ी धीमी आवाज में बोलूँगा, इसमें आ गया और अब हमें चाहिए नौमी हो जाए, ये रहा भाई, और 329 में हो जाएगा ये 329 आ गया। चल नंबर 14 में हमारा पिज़्ज़ा भाई, 329 में हमारी नौमी हो जाए, ये कर देते हैं। आ गया पिज़्ज़ा, ये रहा, अरे ये नहीं, ड्रिंक कितने भी पियो और अपना पिज़्ज़ा खाते हैं। चलो हाँ भाई चलो, मैं तो घर पहुंचने वाला हूँ यार, वहाँ शोर बहुत था इसलिए मैंने वीडियो एंड ही नहीं करी वहाँ, कि जैसे नीचे उतरा तो बहुत ज़्यादा शोर था भाई, सुबह में होता है ये शोर आप लोगों को पता ही है। फिर स्टेशन से आया तो भूल ही गया, बिल्कुल घर के पास पहुँच गया जब याद आई कि वीडियो तो बन वही नहीं करी मैंने एंड। तो भाई खा पी लिया, अब आ गए घर, मेरा बिल आया 1070 AN का, और वो भी इससे भी कम बिल आना था, वो तो मेरे पास कूपन थे और मैंने देखा ही नहीं कि मेरे पास कूपन भी है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था वहाँ, बाद में चला जब तक मैंने ऑर्डर कर दिया था, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था। वरना जो मैं 1070 का खा कर आया, वो मैं 520 रुपये एन का, 520 एन का खा कर आता, बट कोई नहीं, आज जाने से कोई नहीं चलेगा, बट मज़ा आया खाने में भाई, ये सिस्टम होता है, गस तो होता है सबसे सस्ता, अगर किसी को जाना है तो वहीं जाए भाई, ये रिकमेंड करूँगा मैं तो यहाँ, अगर कोई जापान आ रहा है या रह रहा है। ठीक है भाई, कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, जानकारी दे दी भाई मैं स्कूल में कैसे एडमिशन लेते हैं, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना भाई, कि अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं मैं, तो वो भी बता देना, उसी चीज़ पर बना दूंगा मैं। चलो ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके बाय बाय भाई, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।